अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यह वीडियो अरबी पार्ट नंबर 6 है। जैसे कि मैं पिछला पार्ट नंबर 5 तक वीडियो बना चुका हूँ, 5 वीडियो मैंने अरबी भाषा के ऊपर बनाए हूँ और 2 वीडियो मैंने अरबी गिनती के ऊपर बनाए हूँ, 1 से लेकर 100 तक। 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, यानी 2 वीडियो बनाए हूँ। एक वीडियो 1 से लेकर 50 तक है और दूसरा वीडियो 50 से लेकर 100 तक है। और आप लोग ने वह वीडियो देख करके अरबी गिनती भी सीख सकते हैं और सीखने के बाद यहाँ पे आने के बाद अरबी में हिसाब किताब कर सकते हैं, अरबी गिनती का वर्ड का इस्तेमाल करके हिसाब किताब कर सकते हैं और हिसाब किताब अपने कफिल से ले सकते हैं। यानी किसी भी फील्ड में आते हो तो अरबी में गिनती का जो वर्ड होता है उसे इस्तेमाल करके आप उसे यूज में ले सकते हैं। और अरबी भाषा है, मैंने उस पर 5 वीडियो बनाए हूँ, अरबी एक एक वर्ड के ऊपर बनाया हूँ और अरबी हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ, अरबी मिलाकर कैसे बोला जाता है इस पर भी वीडियो मैंने बनाया हूँ। जो भाई वीडियो हमारे देखे हैं, मुझे उम्मीद है कि वह वीडियो से कुछ सीखे होंगे और सीखने के बाद यहाँ पर आएंगे तो यूज कर सकते हैं। अपने कपिल से कुछ लेन देन करना हो तो मांग सकते हैं और अपने कपिल को अपनी बात रख सकते हैं, आपका कपिल समझ सकता है, समझ के आपके बात को वो सुन सकता है और एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने याद किया होगा और यह वीडियो भी मैंने जो है कि मिला के अरबी कैसे बोला जाता है इसमें भी मैं वही बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यह टॉपिक अलग है, पिछले वाले वीडियो से अलग यह टॉपिक है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देंगे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अरबी वर्ड लिख के रख दिया हूँ ताकि हमको समझाने में आपको आसानी रहे और आपको समझने में आसान रहे। ऐसा नहीं कि मैं सोचूं फिर आपको बताऊं, इससे क्या होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा और वीडियो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अरबी है, अना अरब। अना अरब हिंदी में कहते हैं मैं जानता हूँ। अना माय अरब, मैं नहीं जानता। मादरी, पता नहीं। अना माफ़ी मालूम, मुझे मालूम नहीं है। अंता कज्जाब, कज्जाब मतलब होता है झूठा, अंता मतलब तुम, अंता कज्जाब, तुम झूठे हो। वल्ला अना माफी कज्जाब, कसम से मैं झूठा नहीं हूँ। वल्ला मतलब होता है कसम। किनाद्र हिंदी में जूते, हदा किनाद्र मिन, यह जूते किसके हैं। हदा किनाद्र अना, यह जूते मेरे हैं। संदल हिंदी में संडल या चप्पल कहते हैं। नाल अरबी में नाल, हिंदी में चप्पल। हदा नाल कम फलूस, यह चप्पल कितने का है। अना साही, मैं सो रहा हूँ। अंता नोम, तुम सो रहे हो। अना कलाम साह, यानी मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। कलाम मतलब बात, ठीक है। मैं बात सही कह रहा हूँ। अना कलाम साह, ये हम लोग डेली यूज करते हैं। कुछ भाषा बोलना रहता है, कुछ बात बोलना रहता है ना, तो मैं बोलता हूँ उन लोग को वल्ला अना कलाम साह, ठीक है। रेहा, रेहा मतलब होता है बदबू। जैसे आप गाड़ी में बैठे होगे ना, कहीं पर भी रहोगे ना, कोई चीज़ बदबू आएगा तो ये लोग बोलेगा अदर रेहा इज वे निजी रेहा, तो आपको मालूम रहेगा तो आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता है, ना माफ़ी मालूम, वे निजी रेहा, कहाँ से रेहा रहा है मुझे पता नहीं, ठीक है। रेहा मतलब होता है बदबू। रेहा वे निजी, बदबू कहाँ से आ रही है। रेहा हलो, खुशबू। रेहा हलो खुशबू, रेहा को बोलते हैं बदबू, रेहा हलो को खुशबू।
रेहा हलो वेनी जी, खुशबू कहाँ से आ रही है? हदा रेहा अत्र, यह रेहा इतर का है। मशगूल बिजी, अना अलहिन मशगूल, मैं अभी बिजी हूँ। फतूर नाश्ता, हिंदी में नाश्ता कहते हैं। फतूर खलास, तुम्हारा नाश्ता खलास, खलास हो गया तुम्हारा नाश्ता। फतूर माय हसल, मुझे फतूर नहीं मिला, यानी मुझे नाश्ता नहीं मिला। फतूर माय हसल, मुझे नाश्ता नहीं मिला। अना हसल फतूर, मुझे नाश्ता मिला। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग पहले इसे इतना याद करिए, फिर मैं दूसरा टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, दूसरे वर्ड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग को कुछ पूछना रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टाइप करिए, वहाँ पे लिखिए, हमसे पूछिए। आपके मन में कोई और क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, तो वहाँ पे टाइप करके लिखिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अरबी में इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो बस आज के वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ओके, टाटा बाय।